डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। देश में हर साल बजट पेश होता है। आजादी के कुछ बाद ही ऐसे बजट पेश हुए जिनको लोग सालों साल तक याद रखते हैं। ऐसे बजट की संख्या कई हैं जिनको कुछ कारणों से याद रखा जाता है। इनमें से कुछ बजट को काला बजट, दरिया दिल बजट, रोल बैक बजट आदि के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इन बजट्स के बारे में। देश का पहला बजट। आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। बजट पेश करने का फैसला ही 1947 के इस आम बजट का सबसे अहम फैसला रहा। ये बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। इससे देश में फरवरी में ही बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई। दरअसल इससे पहले जिस बजट को सरकार की ओर से मंजूरी दी गई थी वो देश के बंटवारे के साथ ही प्रभावहीन हो गया था। भारत के सामने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने की बड़ी चुनौती थी और सरकार के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में बजट ने सरकार के खर्च का मार्ग प्रशस्त किया था। लोकतांत्रिक भारत का पहला बजट। लोकतांत्रिक भारत के पहले बजट को साल 1951 में वित्त मंत्री जॉन मथाई ने बजट पेश किया। 28 फरवरी 1950 को लोकतांत्रिक भारत के पहले बजट को पेश करने का निर्णय किया गया। इस बजट ने देश में योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना का रास्ता साफ किया। रूस की तर्ज पर बने योजना आयोग ने देश में विकास को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। तत्कालीन सरकार का मानना था कि आजादी के बाद से ही देश भारी महंगाई और गरीबी के अलावा कम उत्पादकता के साथ खस्ताहाल निवेश और उत्पादन की समस्या से जूझ रहा था। पूर्णकालिक आयोग देश के भीतर मौजूद संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल से अलग अलग क्षेत्रों में विकास का खाका खींच सकता था। उदारीकरण बजट। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का ये बजट भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्न बजट में से एक है। 24 जुलाई 1991 को पेश इस बजट में आयात निर्यात नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। आयात के लिए लाइसेंसिंग नीति में राहत दी गई और निर्यात को बढ़ावा देने के कई प्रावधान किए गए। इस बजट ने वास्तव में भारतीय उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के द्वार खोल दिए। तब मनमोहन सिंह ने देश में विदेशी कंपनियों को कारोबार करने के लिए खुली छूट दे दी। उस वक्त से ही देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। भारतीय कंपनियों को भी देश के बाहर व्यापार करना आसान हुआ। कस्टम ड्यूटी को 200% से घटाकर 150% पर लाया गया। इस बजट के 2 दशक बाद भारत की GDP में रफ्तार देखने को मिली थी। काला बजट। 1973-74 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान द्वारा पेश किए गए बजट को काला बजट की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त 550 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। इस बजट में चौहान ने 56 करोड़ में कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण किया था। सपनों का बजट। 1997 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए बजट को सपनों का बजट भी कहा जाता है। तब वित्त मंत्री ने आयकर और कंपनी कर में कटौती करने की घोषणा की थी। आयकर दरों को 40% से 30% पर लाया गया। इसके साथ ही सरचार्ज को भी खत्म कर दिया गया। मिलेनियम बजट। साल 2000 में यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किए गए बजट को मिलेनियम बजट कहा जाता है। इस बजट में भारत की IT कंपनियों को काफी रियायत देने की घोषणा की गई थी। 21 वस्तुओं जैसे कि कंप्यूटर और CD-ROM पर कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया गया था। रोल बैक बजट। 2002 में यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किए गए बजट को रोल बैक बजट भी कहा जाता है। इस बजट में दिए गए कई प्रस्तावों जैसे कि सर्विस टैक्स और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई, इसको आम जनता और विपक्ष के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था। अमर उजाला.com